हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गुरु एसजी। और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज ऐप के अल्टरनेटिव के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार द्वारा फिलहाल में बैन किए गए हैं चाइनीज ऐप, जो कि 59 चाइनीज ऐप को यहां पर बैन किया गया है, और जो कि देश की सुरक्षा को देखते हुए यहां पर बैन किए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं और हम भी यूज कर रहे हैं, हमारा सुबह होता ही है सबसे पहले मोबाइल को ऑन करते हैं और सबसे पहले इन्हीं एप्स के हम यूज करते हैं, इन्हीं एप्स को हम यूज करते हैं। इनके बिना हमारा सारे दिन का कोई भी कार्य नहीं करते थे अभी तक, जब तक बैन नहीं हुए थे। लेकिन फिलहाल में अब जब ये ऐप बैन हो चुके हैं तो अब हमें इनके अल्टरनेटिव की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसे एप्स यूज करेंगे जो बिल्कुल चाइनीज ऐप की तरह ही हमारे वर्क करते हैं, लेकिन वह चाइना के नहीं है। तो वाइकॉट चाइना के इस अभियान में हम भी जुड़ जाएंगे और हम सारे ऐप जो भी है हमारे मोबाइल में चाइनीज ऐप, सबको हम यहां से रिमूव कर देंगे या अनइंस्टॉल कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिकटॉक की, जो कि करोड़ों हमारे भारतीय यहाँ पर यूज कर रहे हैं और सुबह स्टार्ट होता ही है उनका कुछ, तो वहां पर बहुत ही पॉपुलरिटी पा चुके हैं इस ऐप के द्वारा। या हम बात करते हैं हेलो ऐप की, या हम बात करते हैं लाइक ही ऐप की। तो अब इनका अल्टरनेटिव क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव है रोपोसो ऐप, और आप देख सकते हैं कि मित्रो ऐप। आप दोनों ही ऐप को आप यूज कर सकते हैं अपने इन्हीं टिकटॉक की जगह पर। माना इसकी थोड़ी सी स्पीड कम है, इनकी स्पीड स्लो है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप स्टार्ट तो कीजिए इस पर यूज करना, बाद में इसकी स्पीड मेंटेन होती जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर की। तो अभी तक तो हम वीडियो एडिटर के लिए हम यूज कर रहे थे वीवा का, जो की एक चाइनीज ऐप है, और अब हो गया है यह बैन। तो अब इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं चाइनीज ऐप के अल्टरनेट में? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले तो कर सकते हैं काइन मास्टर का यूज, और उसके बाद में हम कर सकते हैं पावर डायरेक्टर का यूज। दोनों ही ऐप बहुत ही स्मूथ वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छी इससे वीडियो एडिटिंग होती है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वीवा ऐप की जगह हम काइन मास्टर का अच्छे से यूज कर सकते हैं और पावर डायरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्यूटी प्लस की, जो कि हम अपनी पिक्चर को क्लिक करने के लिए यूज करते थे और इसके द्वारा हम बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्लिक कर पाते थे। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो यहाँ पर गूगल का हम यहाँ पर देख सकते हैं स्नैपसीड, जो कि हम यूज कर सकते हैं ब्यूटी प्लस की जगह पर, या हम कह रहे हैं कि पिक्स आर्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी एक ऐप है, जो आपकी एक पिक को क्लिक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छी इनसे भी पिक आपकी एडिट हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर की। कोई भी डॉक्यूमेंट अभी हमें सेंड करना होता है या कोई भी पिक हमें सेंड करनी होती है, तो ब्लूटूथ के बाद में हम शेयर इट या एक्सजेंडर का यूज करते थे, जो कि है चाइनीज ऐप, जिनको बैन कर दिया गया। तो अब इसका अल्टरनेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपको भारत का अगर हम ऐप बात करें तो इसके लिए है जियो स्विच, और अगर हम गूगल की बात करते हैं तो फाइल्स बाय गूगल आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ऐप आपके बहुत ही सुरक्षित रहेंगे आपके लिए, तो आप इन दोनों फाइल ट्रांसफर एप्स को यूज कर सकते हैं। अब अभी हमने जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात की है कि डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसके बाद में एक और वर्क हमारे लिए होता है, जो कि हम ऑफिसों में भी देखते हैं और नॉर्मली अपने रेगुलर अपने घरों में भी देखते हैं, कि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है। तो उसके लिए अभी तक हम यूज करते थे कैम स्कैनर का, जो कि एक चाइनीज ऐप है। तो अब इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एडोब स्कैनर का यूज कीजिए, क्योंकि एडोब स्कैनर एक बहुत ही रिलायबल हमारे लिए एक ऐप है, इससे हमारी ज्यादा सुरक्षा रहती है। इसलिए आप कैम स्कैनर को कीजिए अनइंस्टॉल। वैसे तो बैन हो ही चुका है, तो वो वर्क करना बंद ही कर देगा, लेकिन आप इसके जगह पर अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर एडोब स्कैनर का यूज करें। अब हम बात करते हैं इंटरनेट पर हमें ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है किसी भी उसको सर्च करने के लिए, तो इसके लिए अभी तक हम यूज करते थे बहुत ही फास्ट था, जो कि यूसी ब्राउजर का, लेकिन यह भी एक चाइनीज ऐप था, इसको भी बैन कर दिया गया है। तो अब हम इसकी अल्टरनेटिव में क्या ले सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इसके अल्टरनेट में हम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स को ले सकते हैं, क्योंकि इसका हम यूज नॉर्मली डेस्कटॉप पर तो करते ही थे, मोबाइल में हम यूसी ब्राउजर का यूज करने लगे थे। लेकिन अगर आप इसको बैन कर दिया गया, आप मोबाइल में यूज नहीं कर सकते, तो इसके बेहतरीन अल्टरनेटिव हमें यही है कि गूगल क्रोम का यूज करें, या आप मोज़िला फायरफॉक्स का यूज करके अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप सर्च कर सकते हैं।
दोस्तों, और आपको पता भी है कि गूगल क्रोम तो गूगल का ही है, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में, कौन सा ऐप हम यूज करते थे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना में लॉकडाउन जब हुआ है कोरोना के कारण, तो यहाँ पर हमने अधिकांश जगह देखा है जैसे कि कंपनियां हुई, वर्क टू होम की बात जब की जाती है तो इसमें आपको जो भी कंपनीज थी उन्होंने घर बैठे ही वर्क किया है, और वह भी उनने कैसे किया है, वीडियो मीटिंग के द्वारा। तो यह इसके लिए उन्होंने यूज किया है जूम ऐप का। अब हम बात करते हैं कोचिंगों की, तो कोचिंग्स में जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है अधिकांश में जूम ऐप का यूज किया गया है। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, तो इसका अल्टरनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो है हमारा भारत का जियो मीट, सेकंड है हमारा से नमस्ते, फिर हम बात करते हैं गूगल का तो गूगल मीट हमारे लिए मिलता है, उसके बाद में हमें स्काइप भी एक ऐप है जिसके द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट मीट भी हमें मिलता है जिनके द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें जूम ऐप बैन होने से या चाइनीज ऐप बैन होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका अल्टरनेटिव हमें मिल चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं यूसी न्यूज की। आप लोग अधिकांश लोग आप यूसी ब्राउजर से कनेक्ट थे तो आप यूसी न्यूज से बहुत सी न्यूजें आप देखा करते थे, लेकिन अब हम बात करें जब ये बैन हो गया तो इसके लिए अब हम कौन सा न्यूज के लिए ऐप है, तो सबसे पहले तो है एक गूगल न्यूज जिसके द्वारा आप तमाम प्रकार की न्यूज के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद में आप डेली हंट भी है, आप इससे भी आप सारी न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। आपका अल्टरनेट होना चाहिए गूगल न्यूज और उसके बाद होना चाहिए आपके पास में डेली हंट। दोस्तों, जब आप इतने ज्यादा ऐप यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में जंक फाइलें बनने लगती हैं जिसके कारण आपका मोबाइल होता है हैंग, जिसके लिए आप यूज करते थे क्लीन मास्टर का, जिससे आप जंक्स फाइल को आप यहाँ पर क्लीन करते थे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो एंड्रॉइड मोबाइल है इतने इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं इनमें कि बिना क्लीन मास्टर का यूज किए ही आपकी जो जंक्स फाइल होती है वह टाइम टाइम पर वहां से रिमूव होती रहती है। तो यहाँ पर लेकिन अब अगर आपको करना ही है क्लीन मास्टर की जगह पर कोई और अल्टरनेटिव ऐप का यूज, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फाइल बाय गूगल का, जिसके द्वारा आप जो आपकी जंक्स फाइल रहेंगी आपके मोबाइल की उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लीन मास्टर या स्पीड ब्राउजर के अलावा आपके पास में अब जो चाइनीज ऐप के अलावा जो आपके पास में ऑप्शन वह आपके पास ऑप्शन है फाइल बाय गूगल का, इसके द्वारा आप अपने जो भी जंक्स फाइल रहेंगे उनको आप क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लास्ट बात करते हैं एक और ऐप की जो कि है क्लब फैक्ट्री या अली एक्सप्रेस, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। माना इस पर कुछ प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अभी हो चुके हैं ये ऐप बैन। तो अब आप इसका अल्टरनेटिव में आप जो कि यूज कर ही रहे हैं नॉर्मली, आप अमेजोन का यूज करते हैं, आप फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं या मिंत्रा का आप यूज करते हैं, इसके बाद में आपके पास में जियो शॉपिंग भी है, इनके द्वारा आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मतलब ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी चाइनीज ऐप हमारे बैन हुए हैं उनसे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। हमारे पास में अधिकांश ऑप्शन अल्टरनेटिव हैं जिनका यूज करके हम अपने मोबाइल से जो भी हमारी प्रोसेस थी, जो भी हमारा वर्क था, वह सारा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो कीजिए। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।